हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के आज के यानी कि 1 जुलाई 2020 के क्लोजिंग प्राइसेस हैं, जो कि 467.20 पर बंद हुआ है। आज ही इसका रिजल्ट आया था। ये रिजल्ट कैसे रहे हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको हम इतना बता दें कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोड्यूसिंग और गोल्ड एक्सट्रैक्शन की कंपनी है, और इनका जो वैल्यू चेन है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये एक प्रोडक्शन से लेकर के और इनके खुद के अपने शोरूम्स हैं सारी दुनिया में। तो हम देखेंगे इनके क्या रही है अर्निंग्स Q4 FY20 में, लेकिन एक नज़र डालते हैं हम एक साल के इनके शेयर के प्राइस पर। हम एक साल पहले देखेंगे कि क्या प्राइसेस थे। यहाँ पर 727.20 था आज ही के दिन, और आज ये 478.85 है। यानी कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगभग 34% का इसमें इनके पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है। खैर, अब हम देखते हैं आज के इस एनालिसिस को, लेकिन उसके पहले हम एक टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस में ये देखेंगे कि अभी हमको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इसका एक चार्ट डेली चार्ट है। यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा कि ये फरवरी के बाद से कंटिन्यूसली नीचे गिरता चला जा रहा है, और इसने 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों को तोड़ दिया है, और इस वक्त ये 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है और एक बियर फेस में काम कर रहा है। यदि हम इसको ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और जैसा कि आप आज के प्राइस के बारे में देखेंगे, मैं यहाँ पर जूम करके आपको बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि कल रिजल्ट आने के पहले, क्योंकि आज रिजल्ट आया है तो कल एक दिन पहले, रिजल्ट आने के पहले ये इसमें एक जबरदस्त सेलिंग हुई, और आज चूंकि रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद थी तो ये आज ऊपर की ओर खुला, लेकिन फिर जा करके ये नीचे की ओर चला गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें जो बेयरिश फेस है वो बहुत जबरदस्त है और बेयर्स इस पर हावी है। यहाँ पर हम देखते हैं RSI जो कि 37.67 पर है, और ये भी एक बेयरिश ट्रेंड शो कर रहा है। और एक नज़र डालते हैं हम इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर, तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी यही बता रहा है कि इस शेयर का जो ट्रेंड है अभी वीक है और अभी ये बॉटम आउट नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये एंट्री का सही वक्त नहीं है। और एक नज़र हम डालते हैं इसके MACD पर भी, तो MACD क्या सजेस्ट करता है। MACD भी यही सजेस्ट कर रहा है कि यदि इसमें थोड़ी सी और गिरावट होगी तो ये ट्रेंड लाइन इसकी सिग्नल लाइन के नीचे चली जाएगी, और ये और भी ज़्यादा डीप रिसेशन में कहना चाहिए या डीप बेयरिश फेस में चला जाएगा। तो फिलहाल इस शेयर में अभी हमें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसके अर्निंग परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। तो उसके लिए हम अपने तीन पैरामीटर्स लेते हैं, रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। बारी बारी से उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम यदि रेवेन्यू की बात करें तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। लास्ट ईयर Q4 FY19 में इन्होंने 34,443 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस साल बढ़कर के 47,553 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, और इस प्रकार से इन्होंने 38% की इसमें एक छलांग लगाई है अपने रेवेन्यू में। और जो कंपनी का सालाना प्रॉफिट, सालाना रेवेन्यू की यदि हम बात करें तो उसमें भी लगभग 11% का इंक्रीज हुआ है, और 1,75,831 करोड़ से बढ़कर के ये 1,95,607 करोड़ हो गया है, यानी 11% का इसमें इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस पर। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में हम आपको बताएं कि ये एक जीरो डेप कंपनी है, इसमें किसी तरह का कोई डेप नहीं है इनके, और इनके
जो 1956 यानी कि लगभग 26 बिलियन का इनका बिजनेस है, एनुअल सेल है, और कंपनी एक सबसे बड़े गोल्ड बिजनेस के तरह पर देश में जाने जाती है। एक सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये गोल्ड बिजनेस का, और इनके पास लगभग 35% गोल्ड प्रोडक्शन जो दुनिया का होता है वो ये करते हैं, और इनके पास वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनिंग से लेकर के और रिटेल ब्रांड तक इनके जो वैल्यू एडिशन ये करते हैं ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। तो ये था राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में और उसके रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू बहुत अच्छा इन्होंने जनरेट किया, 38% का इसमें जंप लगाया। एक नज़र डालते हैं इसके एबिटा पर। एबिटा लास्ट ईयर 353 करोड़ का था जो कि अब घट करके 287 करोड़ का रह गया, यानी कि इसमें 19% की कमी आई है। और यहाँ पर जो फोर्थ क्वार्टर में 34,205 करोड़ के जो एक्सपेंसेस थे लास्ट ईयर, वो बढ़ करके अब 47,285 करोड़ हो गए हैं, और यही वजह है कि इनके जो एपिटा है वो कम आया है। और इसके पीछे इन्होंने रीजन दिया है कि इनके जो मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम डालते हैं एक नज़र इसके प्रॉफिट पर, पीएटी पर। तो पीएटी लास्ट ईयर 262 करोड़ था जो कि बढ़ करके 272 करोड़ हुआ है, यानी कि इसमें 4% का इंक्रीज हुआ है, 4% का उछाल आया प्रॉफिट में। और हम देखेंगे कि इसका जो ईपीएस है वो 8.89 रुपये यानी 8.89 रुपये से बढ़ करके 9.20 रुपये हो गया है। और यदि कंसोलिडेटेड बेसिस में हम इसके ईपीएस की बात करें तो ये 40.84 से बढ़ करके 43.77 रुपीस हो गया है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। इसके अलावा इनका जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट है, वो 1,206 करोड़ से बढ़ करके 1,297 करोड़ हो गया है, यानी कि इसमें इसमें 1,292 करोड़ से 1,206 करोड़ हो गया है, इसमें कमी आई है 7% ऑन ईयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इन्होंने 100% डिविडेंड दिया है, इनका फेस वैल्यू 1 रुपी का है, तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये 1 रुपी पर शेयर का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। तो ये थी अर्निंग्स परफॉर्मेंस राजेश एक्सपोर्ट्स की। अब देखते हैं कि क्या ये मार्केट के अनुरूप थी या नहीं। तो यहाँ पर हम एक समरी में इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि इसने जो रेवेन्यू है 38% का ग्रोथ दिया, इसमें मार्केट एक्सपेक्टेशन तो इन्होंने बीट किया है, एबिटा में इन्होंने मिस किया है, और यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में इन्होंने 262 करोड़ से बढ़ा करके 272 करोड़ कर लिया है, यानी 4% का इंक्रीज किया है, और ये भी इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अब हम डालते हैं एक नज़र इसके ट्रेडिंग पर, एक हफ्ते में क्या हुआ, कैसी रही ट्रेडिंग मार्केट में, किस तरह से ये शेयर चला। तो हमने देखा है कि आज जिस दिन इसका रिजल्ट आया है 271,000 से भी ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। कल भी इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई थी और कल इसने एक हाई बनाया था 486.95 पिछले 8-10 दिनों का, क्योंकि हम एक हफ्ते 10 दिन की ट्रेडिंग ही अभी ले रहे हैं, क्योंकि हम ये रिजल्ट प्री रिजल्ट रैली की ट्रेडिंग का एक बार एनालिसिस करते हैं। अब एक नज़र डालते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इसके प्रमोटर्स के पास 54% की इक्विटी है, FII इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं जो कि लगभग 17.75% की इक्विटी रखते हैं, और DII जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल हैं, और भी अदर DII हैं जो कि लगभग 26.5% का इसमें स्टेक रखते हैं। तो ये थी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग का डिटेल। अब हम इसका एक बार वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। तो इसका जो पी रेशो है वो 32 है जबकि इंडस्ट्री पी है 47। ये मार्केट कैप इसका जो है वो 13,000 करोड़ से ज़्यादा है, और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.01 है, और इसका फेस वैल्यू मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 रुपया है,
और डिलीवरेबल क्वांटिटीज है लगभग 38.43, यानी कि इतने परसेंट लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं जो वो या तो डिलीवरी लेते हैं या डिलीवरी बेचते हैं। तो ये था राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के Q4 FY20 रिजल्ट्स का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।